समस्त युवा राजपूत समाज के तत्वाधान में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह जी की 483वीं जयंती पर भव्य वाहन रैली निकाली गई। आयोजन राजगढ़ के समस्त राजपूत सरदार एवं बन्नासा हुकुम अधिक संख्या में पधारे, राजपूत वेशभूषा एवं साफा बांधकर भव्य वाहन रैली को सफल बनाया। राजपूत समाज की एकता और अखंडता को सार्थक करने के लिए पिछले 3 दिनों से कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही थी। दिनांक 22 मई 2023 सोमवार को भव्य आयोजन श्री क्षत्रिय राजपूत समाज समस्त संगठन के सहयोग से आयोजित किया गया। यात्रा प्रमुख मार्ग महाराणा प्रताप वाटिका से न्यू बस स्टैंड, मेन चौपाटी चबूतरा चौक, लाल दरवाजा चारभुजा मंदिर, तीन बत्ती चौराहे से होली टेकरी पर नारी शक्ति का वर्णन किया गया और स्वल्पाहार किया गया और आगे महाराणा प्रताप द्वारा पुराना बस स्टैंड से तेजाजी मंदिर पर समापन और महाआरती की गई। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगी, बस मैं महाराणा प्रताप जी के लिए दो लाइन बोलना चाहूंगी कि धन्य धन्य धरा जिसकी शक्ति भक्ति स्वाभिमान कभी बिका नहीं। धन्य धन्य धरा जिसकी शक्ति भक्ति स्वाभिमान कभी बिका नहीं। धन्य था वो शूरवीर राणा जिसके सामने अकबर भी लड़ा नहीं। क्या फौलादी सीना था उस राणा का, टकरा कर तीर सीने से। जो है महाराणा प्रताप जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 22/5/2023 को राजपूत क्षत्रिय समाज द्वारा युवाओं के द्वारा जो है भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें धार से हमारे बना उपक्रम लाखन सिंह जी राणा, जिला कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी द्रावड़ा, संभाग उपाध्यक्ष हेमंत बना और कई बना उपक्रम हमारे साथ बता रहे थे। साथ ही राजपूत कलिजना मूल के केवल सिंह जी भी बता रहे थे, जिनका हम आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही महिला इकाई से जो है शिवानी जी सिसोदिया जो है जिला अध्यक्ष बता रहे थे और उनकी टीम का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। हमारे द्वारा वाहन रैली निकाल कर जो है होली टेकना चौराहे पर नारी शक्ति पर एक बहुत ही अच्छा और बहुत शानदार संबोधन किया गया। साथ ही रानी पद्मावती के जीवन पर भी प्रकाश डाला गया। साथ ही इसके बाद जो है तेजाजी मंदिर पर माँ आरती का आयोजन किया गया और माँ प्रसाद वितरित की गई। इस आयोजन में हमारे जो है वीरमदेव जी पवार, समंदर सिंह जी राजपूत और हमारे तहसील अध्यक्ष जीवन जी सिसोदिया, हमारे तहसील उपाध्यक्ष भरत जी मोरी, जिला सचिव राजेंद्र सिंह जी पवार, साथ ही नगर अध्यक्ष मोहन जी बारोड़ और हमारे जो है जिले कार्यकारी के पदाधिकारी है उनका बहुत ही शानदार सहयोग रहा। साथ ही हमारे जो है साथी मुकेश जी चौहान, इनका भी बहुत शानदार सहयोग रहा और जिनका कुछ कारण से नाम अगर मैं भूल भी रहा हूँ, जिन्होंने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करा, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और ऐसी आशा करता हूँ कि आने वाले समय में यह शोभा यात्रा एक भव्य स्तर पर निकली जाएगी और राजगढ़ नगर के अलावा संपूर्ण मध्य प्रदेश में यह शोभा यात्रा याद की जाएगी। आपका नाम? विशेष सिंह राजपूत। राजगढ़ से विशेष सिंह राजपूत की रिपोर्ट।